आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट पे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत में कोरोना के कारण मरने वालों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की केंद्र की योजना को मंजूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने कोरोना पीड़ितों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए NDMA को दिशा निर्देश करने का निर्देश देने वाले अदालत के आदेश को लागू करने की मांग वाली याचिका पर एक आदेश दिया है। जस्टिस MR शाह ने सुनवाई के दौरान कहा कि मृतक के परिजनों को 50,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा और ये केंद्र और राज्य द्वारा विभिन्न कल्याण योजनाओं के तहत भुगतान की गई राशि से अलग होगी। कोई भी राज्य इस आधार पर 50,000 रुपये के लाभ से इनकार नहीं करेगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु का कारण कोरोना नहीं है। मौत के कारणों को ठीक करने के लिए जिलाधिकारी सुधारात्मक कदम उठाएंगे। जिला स्तरीय समिति का विवरण प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये है फैसला सुनाया। जी हाँ, कोर्ट ने आगे कहा कि भुगतान राज्य आपदा राहत कोष से होगा। मुआवजे की राशि का भुगतान आवेदन जमा करने और मृत्यु के कारण को कोरोना के रूप में प्रमाणित होने के 30 दिनों के भीतर दिया जाएगा। तो वहीं न्यायमूर्ति MR शाह ने कहा कि निर्णय की तारीख के बाद भी होने वाली मौतों के लिए अनुग्रह सहायता प्रदान की जाती रहेगी। कोर्ट ने कहा कि शिकायत निवारण समिति मृतक मरीज के मेडिकल रिकॉर्ड की जाँच कर 30 दिनों के भीतर मुआवजे का आदेश दे सकती है। तो वहीं समिति के पास अस्पतालों से रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार होगा। तो वहीं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये दिए जाएं। केंद्र ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि कोरोना राहत कार्यों या महामारी से निपटने की तैयारियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के कारण वायरस संक्रमण से मरने वालों के परिजनों को भी अनुग्रह सहायता दी जाएगी। तकलीफ बस इतना है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कॉमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं।